हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं ZA+AMT ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये रहने वाला है जो आपको ये 1200 सीसी के अंदर मिल जाता है। पेट्रोल वेरिएंट के बारे में हम बात करेंगे। जिसकी मैक्स पावर के बारे में बात करें तो ये आपको 84 BHP की पावर दे देता है 6000 RPM पे। और इसके मैक्स टॉर्क के बारे में बात करें तो 113 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। तो गाइस, इसकी अगर एवरेज के बारे में बात करूँ ना, तो ये आपको हाईवे पे 23 km/L तक की आपको एवरेज दे देती है। तो गाइस, चलिए इसकी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सीटिंग कंफर्ट और स्टेयरिंग वाइज और ये अपना सस्पेंशन वाइज ये कैसे रहने वाली है। तो गाइस, देखते हैं और इसके कुछ फीचर्स भी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, आज हम टेस्ट ड्राइव करेंगे टाटा टियागो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो भाई देख लो, ऐसा इसका कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। तो भाई, ये पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है, तो ये तू कंफर्टेबल बैठा हो भाई? हाँ भाई, बिल्कुल। मतलब पैर अड़ नहीं रहे यार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्पेस है। तो गाइस, मेरी जो हाइट है ना 5'10" है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है ना इसकी सीट एडजस्ट की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक है भाई। मैं आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर ली है। तो गाइस, रिवर्स में गाड़ी डल चुकी है और आप इसका बैक कैमरे का ना रिस्पॉन्स देख सकते हो। रिवर्स मोड है, ये ऑटोमेटिक मोड है और ये मैनुअल के लिए है। अगर हम इसे मैनुअल पे चलाना चाहें तो गियर शिफ्ट करके चला सकते हैं इजीली। सही है यार, मैनुअल ट्रांसमिशन से देखा जाए ना ऑटोमेटिक ही ठीक है भाई, ना तो क्लच दबाने का झमेला ना कुछ। इनिशियल पिकअप की बात करूं तो भाई एक लैग सी है इसमें, देखना लैग सी है कि यार पहला गियर से अगर दूसरे गियर में शिफ्ट होती है ना गाड़ी, लैग सी आती है। तो भाई, इसमें जो मिल जाता है ना इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऐसा मिल जाता है, देख लो इसमें यहीं पे आपको मिलेगा न्यूट्रल की, जो आप देख पा रहे होंगे अभी गाड़ी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में डाली हुई है मैंने गाड़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब इसमें आप ऑटोमेटिक डालेंगे ना, तो वो देखो ऑटोमेटिक ही इसमें जो पहला गियर लग चुका है और गाड़ी स्टार्ट। तो भाई, ऐसा इसका कुछ जो अपना ये व्यू है इसका आगे को मिलता है। और अब देखिएगा, सेकेंड गियर डल चुका है, एक अलग ही मतलब ना एक लैग टाइप की है, जब गियर शिफ्ट होता है ना ऑटोमेटिक तो उसमें क्या थोड़ी सी लैक आती है। जो इसमें लेफ्ट साइड में RPM है और राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा वो टेम्परेचर है, गेज जो इंजन का गेज रहने वाला है। तो अभी तो गाड़ी 55-60 तक चल रही है, अभी तो मैं बहुत कम चला रहा हूँ गाइस, देखा जाए तो अभी रोड के हिसाब से। अभी देखते हैं आगे का, रोड खाली होगा तो उसको खींच के देखेंगे थोड़ा बहुत कि कितनी मतलब लैग खाएगी या नहीं खाएगी। अभी तक तो मैंने अभी थोड़ी बहुत ही चलाई है उसके हिसाब से। यहाँ आपको स्टीरियो मिल जाता है इसमें, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारा कुछ मिल जाता है। इसका टॉप मॉडल है गाइस टियागो का ये, और नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और यहीं पर आपको ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग के लिए आपको ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं। तो गाइस, ऐसा इसका कुछ व्यू है। अगर जब आप उसमें मैं अपना रिस्पॉन्स अगर शेयर करूँ ना, तो जब आप गाड़ी इसको चलाओगे तो इसका आगे का आपको सारा व्यू दिखता है। जो इसका ए पिलर है ना, ए पिलर जैसे कि आपको दिख पा रहा है, डिस्टर्बेंस करती नहीं है। बाकी अगर आप इसको टर्न करोगे ना, मैं आपको भी टर्न लेके भी दिखाऊंगा, टर्निंग पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि राइट हैंड साइड का हमें कुछ ना दिखे। और IRVM भी आपको मैनुअली मिलते हैं। तो गाइस, मैं थोड़ा भी गाड़ी चला के देखता हूँ, फिर मैं आपको इसका और रिस्पॉन्स बताता हूँ। गाड़ी दबने के बाद फिर गियर शिफ्ट हो रहा है, दूसरा है ना भी। देखो गाइस, अब तीसरा है ना, थोड़ी सी ना गाड़ी दब के फिर अप हो रही है। अभी देखो, अभी चौथ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा देखो दोबारा। अभी तो स्पीड इसकी 60 है, बट देखा जाए तो AC भी चल रहा है, हो सकता है AC की वजह से लग रहा हो, बट इतना दबना नहीं चाहिए गाड़ी को। अभी मैं ना इसको आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी चला के दिखाऊंगा। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है यार, उसके हिसाब से देखा जाए तो इतना दबना नहीं चाहिए इसे ऑटोमेटिक में। अब मैनुअल ट्रांसमिशन का तो अभी तक तो मेरे को इसका रिस्पॉन्स पता नहीं है, उसमें तो यार गाड़ी खींच लो आप जैसे मर्जी। तो अलग से फील आ रही है कि हाँ यार गियर शिफ्ट हो रहा है, साफ पता चल रहा है इसमें कि गियर शिफ्ट हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे इसमें ये लगी है यार, ऑटोमेटिक कौन लेगा यार इसका, गियर शिफ्ट हुए मुझे सबके गियर के बारे में पता चला है कि सारे गियर शिफ्ट हुए। तो भाई, अब लेते हैं राइट, अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है, जो इसका टर्निंग रेडियस है वो कैसा है। भाई ध्यान से चलो,
देख लो, अब मैं गाड़ी खींचूंगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एकदम बैठती है, फिर तीसरा गियर लगता है, जैसी चौथा लगेगा ना फिर देखना आप। इसमें स्पीड लिमिट का भी एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, स्पीड लिमिट आ जाती है कि हाँ चौथे गियर में भी ना, मतलब पांचवा शिफ्ट बाद में होगा, बाकी अब हुआ है शिफ्ट, 70 पे जो है पांचवा शिफ्ट हो जाता है इसमें। बाकी ना अब इसे यार नॉर्मल में चलाते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चलाते हैं, अभी तो ऑटोमेटिक में चल रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ना यहाँ से ऐसे लाना पड़ेगा। अब ये दूसरे में चल रही है ना, अब अगर आपको आगे बढ़ाना है तीसरे में डालना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर दूसरा गियर है, अभी सेकंड गियर चल रहा है, तो अगर शिफ्ट करना है ना तो यहाँ से एक आगे करोगे तो तीसरा डल गया। तो देखो तो ये है इसको चलाने का तरीका, बहुत इजी टू यूज़ है वैसे तो, पर मुझे तो इसमें बेटर लग रहा है, मतलब जैसे भी खींचनी है गाड़ी उस तरीके से खींच लो, ऑटोमेटिक गियर ऑटोमेटिक से तो बेस्ट ही है। तो भाई गाड़ी खींच के देखते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन पर, ये तीसरा ये चौथा, देखिए तो ठीक है यार, मतलब मतलब अभी तक तो रिस्पॉन्स जो है ना ठीक है, एसी पे चल रही है गाड़ी, काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, और आगे का जो है ना पूरा व्यू दिख रहा है, राइट लेफ्ट का सारा कुछ व्यू दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऑकवर्ड सा लग रहा हो, बट काफ़ी मतलब सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ ना तो इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का तो ऑप्शन मिल जाता है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है, बट पीछे जो पैसेंजर है ना, पीछे पैसेंजर अगर बैठेंगे जिनकी हाइट 6 फुट रहेगी, 6 फुट की हाइट रहेगी, उनके लिए थोड़ा कंजेस्टेड रहेगा। देखा जाता है ब्रेकिंग भी ठीक है इसकी, A1 ब्रेकिंग है इसकी, ब्रेकिंग में तो नो डाउट यार, मतलब बेस्ट है। और इसमें ना मैंने एक चीज और नोटिस करी गाइस, देखो अभी मैं इसे ना मैनुअल ट्रांसमिशन पे चला रहा हूँ ना, तो उसके बावजूद ये खुद ही ना मतलब डाउन हो गए, इसके गियर जो है ना आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये ऑटोमेटिक खुद ही डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ से आपने दूसरा डाला, यहाँ पर ऐसे चलाने में मजा आ रहा है, गाड़ी खींचने में ना ऑटोमेटिक में इतना मजा नहीं आता, उसमें पता चलता है कि गियर शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब गियर शिफ्ट होंगे ना तो जो आपका गाड़ी का जो आरपीएम होता है आरपीएम के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ये लग रहा है मेरे को इजी टू यूज यार, मैनुअल ट्रांसमिशन ही ठीक है, ऑटोमेटिक से तो बेटर है, बाकी ऑटोमेटिक उनके लिए ठीक है जिनको क्लच बार बार दबाने नहीं देता। सिटी में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली देखा जाए ना, ये अपना जाम वाम में थोड़ा क्लच से जो है ना अपना लेफ्ट वाला जो पैर है वो थोड़ा ठीक है, रेस्ट मिल जाता है उसको, बट देखा जाए ना यार तो उस हिसाब से मैनुअल की आदत है यार, हमें तो मैनुअली बेस्ट है। गाइस मैं दिखा रहा था ना आपको, ये देखो अभी गाड़ी, तो गाइस देखो ये दूसरे गियर में ना, तो अभी मैंने कुछ नहीं करा, पहले गियर में पहुंच गई गाड़ी खुद ही, तो ये एक बेस्ट है, बस ब्रेक पे आपको पैर रखने और कुछ भी नहीं है। गाइस में एसी की बात करें ना, ये तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिलता है, मतलब काफ़ी ठीक है, कूलिंग वाइज भी देखा जाए ना तो काफ़ी बेस्ट है। और ये स्टीरियो आपको जो है मिल जाता है, 6 या 7 इंची की स्क्रीन मिल जाती है इसके अंदर आपको, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो भी आपको सुनना है वो सारी चीज़ें, और यूएसबी और ऑक्स का सिस्टम ना आपको नीचे मिल जाता है, और फास्ट चार्जिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, तो काफ़ी बेटर है यार, मेरे को तो काफ़ी ठीक लगा। तो भाई बहुत बेस्ट है यार, इसका टर्निंग रेडियस भी ना आराम से गाड़ी कट गई यू टर्न पे, जैसे कि आपने देखा ना बिल्कुल फुटपाथ से ना चिपका के काटी है, अगर हाँ थोड़ा सा उधर से कट करता ना तो थोड़ा मतलब आराम से सर्कल हो जाता है, टर्निंग रेडियस ठीक है मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। भाई देखा जाए ना तो ये पेट्रोल पे है, तो पेट्रोल पे तो अलग से ही निकल के आती है गाड़ी की, जो पावर है ना बहुत ज़्यादा है, 1.2 लीटर के साथ आपको इसका इंजन मिलता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे सेगमेंट में गाड़ी है। तो भाई वैसे तो हम इसका टॉप मॉडल चला रहे हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ चला रहे हैं, थोड़ा बहुत पावर का फ़र्क तो पड़ता ही है, अगर हम इसको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चलाएंगे ना तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क देखने को पड़ता है। ये टाटा की गाड़ियों में ना एक चीज़ मैंने देखी है, टाटा की गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना वो A1 होती है भाई, इसमें कोई नो डाउट यार, मतलब टाटा एल्ट्रोज ले लो, टाटा टियागो ले लो, मतलब 5-स्टार रेटिंग के साथ आपको ये मिल जाती है, इसमें कोई भी अपनी जो ज़िंदगी के साथ अगर खिलवाड़ करना है तो आप अनदर ब्रांड पे जा सकते हो यार, देखो मैं तो यही कहूँगा, बट टाटा के जो ब्रांड होते हैं ना वो एक अलग ही लेवल के होते हैं, फीचर वाइज थोड़े कम ज़रूर होते हैं, बट हाँ यार बिल्ड क्वालिटी इनकी A1 होती है। भाई सीटिंग कंफर्ट कैसा है पीछे का? पीछे का सही है भाई, आप आराम कंफर्टेबल बैठा, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, रोज ही बैठता हूँ।
आप रोज ही बैठते हो तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना। हाँ कंफर्ट है ना। बाकी सस्पेंशन वाइज भी ना काफ़ी ठीक है यार, मतलब पता भी नहीं चल रहा कि हाँ गाड़ी अभी जो है ब्रेकर से निकली है, तो फील भी नहीं हुआ थोड़ा बहुत। तो भाई ले ली हमने इसकी टेस्ट ड्राइव। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।